हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं होगी। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं होगी। जब तक कोई रास्ता ना ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों ने बात करनी होगी और कुछ से, मुझसे बात नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है, इसका हल निकालना ज़रूरी है। केंद्र का दावा है कि आतंकवाद कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। अगर आप ये दिखता है कि कम हुआ है तब देख लीजिए, आज जो ये हुआ है क्या ये दिखाता है कि आतंकवाद कम हुआ है? किसको ये उल्लू बना रहे हैं ये कहकर? कहा जा रहा है कि कश्मीर में जो अमन की हवा चल रही है पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान को रास आए या नहीं आए, पाकिस्तान में तो यह है, पाकिस्तान तो कहता है कि हम ये मानते नहीं हैं। वो तो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आपके पास फेंकते हैं, क्या कहेंगे आप उनको? वो तो कहते हैं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, क्या करेंगे आप? ये कहा जा रहा है कि नेपाल और पंजाब के रास्ते से जो है पाकिस्तान मिलिटेंट्स को भेज रहा है। देखिए, ना तो मैं इंटेलिजेंस में हूँ, ना मैं हुकूमत में, ना मैं ये इसका जवाब दे सकता हूँ वो आते कहाँ से। मैं आ तो रहे हैं और फुली ट्रेंड आ रहे हैं, आज वो बात रहेगी नहीं। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। क्या ट्रेंड है अफगानिस्तान की तरफ है? मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता, समझने वाले खुद समझ जाएंगे। खतरा है, लाख खतरा है, रोज हमें इसका सामना करना पड़ता है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे लोग मर रहे हैं और फिर इसका खमियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है जब वहाँ पे उन पर जुल्म किया जाता है कि आए कहाँ से, किधर से आए, क्या किया, हमें वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आप इंडिया पाक के दरमियान बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र जो है बीजेपी खासतौर पे कह रही है कि पीओके वापस लाना है। साहब ले आए, फारूक अब्दुल्ला कौन रोकने वाला है? मैं तो रोकने वाला नहीं, तो करना करिए। अगर उससे ये समझते हैं कि यहाँ का मसला हल हो जाएगा तो करें। मैं आपको ये बता दूं, लड़ाई से कोई मसला हल ना हुआ है। चार जंगें पाकिस्तान ने की हैं, बॉर्डर वहीं पे खड़ा है, चार जंगों के बाद पांचवी कर लीजिए। तो आप मानते हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे, बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए।